2018 में जो बाप और जो कृष्ण बच्चा मने प्रत्यक्षता रूपी जन्म होगा जो शास्त्रों में गायन है। हाँ उसी शरीर से अभी अपोजिट उस समय सपोजिशन में अभी जो भी पार्ट है वो कृष्ण बच्चे की बुद्धि में नहीं बैठ रहा है। उसके बाद दोनों मिलकर के एक हो जाएंगे, दो लक्ष्मी नारायण मिलकर के फिर विष्णु बनता है। एक लक्ष्मी नारायण नहीं, लक्ष्मी नारायण के जो मंदिर हैं, उनमें लक्ष्मी नारायण की मूर्ति अलग होती है मंदिर में और विष्णु की मूर्ति अलग मंदिर में होती है। वो नर नारायण की यादगार है विष्णु, और वो सत्यों के लक्ष्मी नारायण की यादगार है। तो राधा कृष्ण वाली आत्माएं 16 कला संपूर्ण है, वो सत्यों की बात है, लेकिन उन्होंने कहा अपना शरीर संगम युग में नहीं है। वो राम सीता वाली आत्माओं के द्वारा पार्ट बजाती है। और परम धाम राजस्थान में है, माउंट आबू। हाँ तो तकदीर के बारे में कुछ नहीं बताया नहीं होगा, जमुना के कंठे पर दिल्ली में स्वर्ग होगा नहीं बताया। अरे लो स्वर्ग को बिल्कुल ही भूल गए। रुद्रमाला के मन के क्या कर रहे हैं? स्वर्ग की कम से कम नॉलेज तो होना चाहिए। दो हजार 2018 से है। हाँ जी हम बच्चों लोग रुद्रमाला का कहाँ उनका पाठ होगा के तो में जैसे बोला सुखधाम और शांति धाम का गेट एक साथ खुलेगा। तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे तो स्वर्ग को इस सृष्टि पर नहीं उतार लेंगे। जिस सेकंड परम धाम इस सृष्टि पर उतरेगा उसी सेकंड नई दुनिया स्वर्ग भी इस सृष्टि पर उतरेगा। लेकिन नई दुनिया स्वर्ग में जाने वाले होंगे पांच विकारों के ऊपर पूरी विजय पाने वाले, नहीं तो स्वर्ग में जा नहीं सकते। और परम धाम में जाना आना करने वाले बहुत होंगे, जाएंगे तपस्या करने। तपस्या कौन करते हैं? पतित करते हैं या पावन करते हैं? जब विनाश होगा तो आधे पुण्यात्मा आधे पापात्मा बचेंगे। तो पहले ब्राह्मणों की दुनिया में विनाश होगा कि बाहर की दुनिया में विनाश होगा? दुनिया में हर कल्याणकारी कार्य की शुरुआत कहाँ से होती है? ब्राह्मणों की दुनिया से। चाहे बेसिक ब्राह्मण हो, चाहे एडवांस के ब्राह्मण हो, और चाहे दुनिया के ब्राह्मण हो, ब्राह्मण है तो नंबर वार ना, सब एक जैसे ब्राह्मण है, है? बाहर की दुनिया में भी एक जैसे ब्राह्मण नहीं, बेसिक में भी
सब एक जैसे एक धर्म के आधार मूर्त ब्राह्मण नहीं है। और एडवांस की दुनिया में भी एक जैसे ब्राह्मण नहीं है, कोई किस धर्म के बीज, कोई किस धर्म के बीज। तो क्या जो अधूरे ब्राह्मण हैं, अधूरा ही पुरुषार्थ कर रहे हैं, अधूरा पुरुषार्थ करके जो संपन्न स्टेज में पहुंचना चाहते हैं उनके भी वायुमंडल को खराब कर रहे हैं, तो हम सब बगुले इकट्ठे बने रहेंगे क्या? नहीं, नहीं। कोई टाइम ऐसा जरूर आएगा टोटल विनाश होगा। और पहले ब्राह्मणों की दुनिया में ही विनाश होगा। रावण कुंभकर्ण जैसे आतताई ब्राह्मणों का विनाश होगा, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। ब्राह्मणों की नौकरियां गाई हुई है ना, है? श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कुरी तो एक ही होगी। जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कुरी के ब्राह्मण होंगे उनके द्वारा नई दुनिया का फाउंडेशन डाला जाएगा। या कच्चे ब्राह्मण भी उसमें ऐड कर दिए जाएंगे? माना जो पक्के सूर्यवंशी ब्राह्मण होंगे जो गायन है भक्ति मार्ग में, काशी में मरेंगे तो कहां जावेंगे? हैं? स्वर्ग में जावेंगे। काशी नगरी एक ऐसी नगरी है जिसके लिए शास्त्रों में दिखाया है कि हिरण्याक्ष जब सारी पृथ्वीवासियों को पाताल में ले गया तो काशी नगरी छिटक गई। पाताल में जाते जाते क्या हुआ? बीच में से ही काशी नगरी छिटक गई और पातालवासी होने से बच गई। कौन? काशीवासी। काशी नाम क्यों पड़ा? काश्य माने तेज, याद का तेज जिनमें भरा हुआ है, ऐसे लोगों की नगरी। उसके लिए कहते हैं शंकर जी को बहुत प्रिय है। क्या? शंकर जी माने जाते हैं विश्व पिता, और सारे विश्व में राजधानी जो है वो दिल्ली की मानी जाती है, जिस पर सब विश्व धर्मों ने राज्य किया है। लेकिन दिल्ली राजधानी या और कोई शहर दुनिया का वो उनको प्रिय नहीं है। कौन सी नगरी प्रिय है? काशी नगरी प्रिय है। क्यों? पार्वती प्रिय नहीं होनी चाहिए? है? अरे शंकर को प्यार पार्वती से होना चाहिए या किसी दूसरे से होना चाहिए? है? शिव है एवर प्योर। क्या है? एवर प्योर। और वो शिव शंकर में पार्ट बजाता है, तो एवर प्योर की मन बुद्धि जो है वो किसको ज्यादा खींचेगी? जिसका पार्ट प्योर हो। इसलिए शास्त्र में दिखाया है कि पार्वती
लक्ष्मी और सरस्वती त्रिदेवों की तीनों ही चिर संजनिया जब उन्होंने सुना कि अनसुईया की पतिव्रता स्टेज सबसे ऊंची है, इतनी ऊंची स्टेज और किसी की नहीं है, तो उनको ईर्ष्या होने लगी। मैंने कहा हम नहीं मानते ये बात, क्या तीनों ने अपना संगठन बना लिया, हम इस बात को मान ही नहीं सकते कि हम त्रिदेवों की जो पत्नियां हैं उनसे भी ज्यादा ऊंची स्टेज किसी की हो सकती है, परीक्षा लेनी चाहिए, बिना परीक्षा के हम नहीं मानेंगे। तो तीनों देवताएं अंदर के तो जानते थे, समझाने की भी कोशिश की, परीक्षा लेने की दरकार नहीं है, लेकिन वो नहीं मानी ईर्ष्या द्वेष के कारण। आखिर इन तीनों देवताओं को जाना पड़ा, वहां जाकर के उन्होंने सामने खड़े हो गए जाके अनसुईया के और भिक्षा मांगी, कहा कि हम भिक्षा तब लेंगे क्योंकि माता से भिक्षा मांगी जाती है, जो भी दरवाजे पर पहुंचते हैं ना तो कहते हैं माता भिक्षा हम दे, माता समझ के अन्न मांगते हैं ना, तो कहते हैं हम बच्चे हैं, हम तीनों बच्चे हैं भगवान के, हम आपसे भिक्षा लेने आए हैं, आप हमें अपनी जो लज्जा है उसका परित्याग करो, माने कपड़े अपड़े सब उतार दो और फिर हमें भिक्षा दोगे तो हम लेंगे, नहीं तो हम भिक्षा लेने वाले नहीं है। सती अनसुईया तो चक्कर में पड़ गई और वो जब वो देखा कि कोई जवाब नहीं मिल रहा है तो रुष्ट होकर के जाने लगे। अनसुईया को ये आया, ये तो हमारे परिवार की बड़ी बेइज्जती हो रही है कि साधु संत महात्मा दरवाजे पर आए और हम उनको भिक्षा भी नहीं दे पाए, गृहस्थ धर्म का ये तो ग्लानी हो रही है। तो उन्होंने बुला लिया, अच्छा आ जाओ हम तुमको भिक्षा देंगे, आओ अंदर आओ बैठो। अब बस अपने पति की याद में उन्होंने तीनों को दृष्टि दी, तीनों बच्चे बन गए, बच्चा बना के तीनों को पालना में लिटा दिया। नारद जी देखने आए, उन्हें तो पता लग गया कि ये कौन है तीनों बच्चे, इनके बच्चे कहाँ से आ गए, इनके तो बच्चे थे ही नहीं, वो समझ गए तो वो अंदर नहीं आए, चुपचाप चले गए तीनों देवियों के पास और वहां जाकर के उन्होंने बता दिया कि वो तो तुम्हारे पति जो है, तुम क्या किसका इंतजार कर रही हो, वो नहीं आने वाले अब तो वो तो अब बच्चा बन गए। वहां जाके देखा तीनों देवियों ने तो वो तो बच्चा बने। तब उन्होंने मान लिया कि हाँ सती अनुसुईया का जो पवित्रता की स्टेज है वो हम तीन देवियों की भी नहीं है। कारण क्या है? कारण ये है कि जो तीन देवियां हैं वो हैं विजयमाला से, और जो अनुसुईया का पार्ट है वो है रुद्रमाला से। रुद्रमाला के जो 108 मणके हैं उनमें पहला मणका जगत पिता
और आखिरी मणका जगदम्बा, जगदम्बा चंद्रवंश की बीज और जगत पिता सूर्यवंश का बीज। सूर्यवंश में है आठ श्रेष्ठ अष्टदेव, उन अष्टदेवों में दूसरा नंबर जो है वो अनुसुईया का है। माना जो सारी दुनिया के बीज हैं, उन बीजों में एक ऐसा है जो पतित से पतित और पावन से पावन का पार्ट बजाता है। क्या 100% पतित और 100% पावन का पार्ट बजाता है। इतना पतित दुनिया में, इतना श्याम दुनिया में कोई हो नहीं सकता, और इतना सुंदर भी दुनिया में कोई हो नहीं सकता, इतनी ग्लानी दुनिया में किसी की हो नहीं सकती जितनी भगवान कलंक की लड़की होती है, और इतनी महिमा दुनिया में किसी की हो ही नहीं सकती कि 100% महिमा ही महिमा हो, कोई भी ग्लानी ना हो, जो नर से नारायण बनता है। बाकी एक आत्मा उन बीजों में से ऐसी भी होनी चाहिए जो दुनिया के सब पवित्र आत्माओं की बीज हो। क्योंकि दुनिया के सारे काम कैसे होते हैं, प्योरिटी से होते हैं। इसलिए जो वैष्णवी देवी है वो भी नई दुनिया बनाना शुरू नहीं करती है, नई दुनिया का फाउंडेशन डालने के लिए फिर भी किसको निमित्त बनना होता है, उस आत्मा को निमित्त बनना होता है जो पहले आत्मा आत्मा भाई भाई बन करके जगत पिता के साथ दिखा दे। क्या हमारा ब्राह्मणों का जीवन का लक्ष्य क्या है, किस स्टेज तक पहुंचना, प्योरिटी की स्टेज में, भाई भाई। आत्मा आत्मा भाई भाई, भाई। तो रुद्रमाला के मणकों में आठ आत्मे हैं जो धर्मराज की भी सजाएं नहीं खाती, अष्टदेव सूर्यवंशी, लेकिन वो भी नंबरवार हैं। उन नंबरवार में से पहली दो आत्मा ऐसी हैं जो पहले पहले आत्मा आत्मा रुद्रमाला के मणके आपस में क्या है, भाई 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 है। तो एक साथ ऐसा पुरुषार्थ करके दिखाते हैं या नंबरवार है, नंबरवार है। उस नंबरवार की लिस्ट में पहले दो कौन होंगे जो दुनिया में सबसे पहले आत्मा आत्मा भाई भाई का पार्ट बजा के दिखाते हैं, वो कौन हो सकते हैं, कौन से नंबर के मणके हो सकते हैं, पहला और दूसरा। तो पहला मणका है वो तो है ही है, हीरो पाटधारी, उसका नाम रखा गया है अत्रि। क्या तीन देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, लेकिन उसमें जो शिव प्रवेश करके पार्ट बजाता है वो उन तीनों देव आत्माओं से अलग है या वो ही है, अलग है वो ही अत्रि है। आ माने नहीं, त्रि माने तीन, जो तीन से अलग है वो एवर प्योर है, न कि जिसमें प्रवेश करता है शंकर में वो एवर प्योर है। मनुष्य शक्ति का पिता जो रुद्रमाला का पहला मणका है वो एवर प्योर है, या उसमें प्रवेश करने वाला फूल सुप्रीम सोल आत्मा एवर प्योर है, कौन एवर प्योर है, सुप्रीम सोल एवर प्योर है। तो एवर प्योर की एक्टिविटी अलग और एवर इम्प्योर की एक्टिविटी अलग।
और वो एवर एम्प्योर भी एवर प्योर के संग से याद के रंग से अपन को बाप समान बना लेती है, ऐसा भी टाइम आता है। लेकिन वो भी तब बनाती है जब उनमें ड्रेस नहीं, वो तब बनाती है जब कोई आत्मा ऐसी सहयोगी बने प्योरिटी के मामले में, ऐसे टाइम पर सहयोगी बने कि यमुना भी धोखा दे, गंगा भी धोखा दे के चली जाए, जगदम्बा भी धोखा दे के चली जाए और वैष्णवी देवी तो स्टेज पे आती ही नहीं। ऐसे टाइम पर वो आत्मा है तो आत्मा आत्मा भाई भाई, लेकिन फिर पार्ट कौन सा बजाती है? सहयोगिनी शक्ति का पार्ट बजाती है। जैसे कोई दो भाई हो और नाटक में जाके पार्ट बजाए पति और पत्नी का, नहीं बजा सकते? बजा सकते। और ये पार्ट बजाने में जैसा पार्ट होना चाहिए जो बाबा चाहते हैं, क्या आत्मा आत्मा भाई भाई, वो पार्ट बजा के पहले वो आत्मा दिखाती है। पत्नी के रूप में सहयोगी होते हुए भी पत्नी का काम है पूरे परिवार की पालना करना, नहीं तो इतना बड़ा एडवांस का परिवार बिना माता के उसकी पालना हो सकती है? है? दुनिया में भी एक माता शरीर छोड़ देती है, 8-10 बच्चे हैं बाप को, माता शरीर छोड़ दे, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या बाप परिवार पालेगा? नहीं पालेगा। प्रैक्टिकल में माता चाहिए इसलिए दूसरी शादी करनी पड़ती है। बाबा भी मुरली में बोलते हैं, ये ब्रह्मा तो मेरी पुरानी जूती है, भारत में एक जूती चली जाती है तो दूसरी जूती, तीसरी जूती, दूसरी शादी कर लेते हैं, तीसरी शादी कर लेते हैं, चार चार शादियां भी कर लेते हैं। बाबा को ये दुनिया का मिसाल देने की क्या जरूरत है? क्यों देते हैं मिसाल? ये संगम युग में खुद भगवान बाप आकर के पार्ट बजाते हैं। तो फाउंडेशन पड़ता है नई दुनिया का काशी नगरी के द्वारा। इसलिए वो पहली कुरी के ब्राह्मण हैं, वो ही सृष्टि पर रह जाएंगे, स्वस्थिति में रहने वाले, जो दुनिया का विनाश भले हो जाएगा, खुद के शरीर बल बर्फ में दब जाएं, लेकिन स्वस्थिति को छोड़ेंगे नहीं। और अंत मते सुगते, अंत में ऐसी तेज होगी कि बर्फ में दब करके अपने शरीर को छोड़ेंगे और बर्फ में ही से निकलेंगे और उस शरीर में प्रवेश करेंगे। उसी शरीर के द्वारा ही सारी सृष्टि का कल्याण हो, कल्याणकारी बनेंगे। लेकिन जब तक ये 500 करोड़ की दुनिया जिंदा है, वातावरण को बिगाड़ने वाली, वो भी कुछ कर नहीं सकते, तब तक वो भी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए शिव बाबा का टाइटल देवताओं के टाइटल से अलग है। देवताएं होते हैं सर्वगुण संपन्न, कोलाकला संपूर्ण, संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम, लेकिन भगवान ये टाइटल धारण नहीं करता।
भगवान वो काम करता है कि दुनिया की 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से बड़े बड़े महात्माएं, धर्मात्माएं, धर्म पिताएं वो काम नहीं कर पाते। पुरानी दुनिया का विनाश वो काम भगवान करते अपने बच्चों के लिए। कौन से अपने बच्चे? वही 4.5 लाख बच्चे जो दुनिया भले खलास हो जाए लेकिन अपनी आत्म की स्थिति को त्यागते नहीं, जीते जी बर्फ में दबना पड़े। लेकिन आत्म की स्थिति को नहीं त्यागते। ऐसे बच्चों की सेफ्टी के लिए सारी दुनिया का ध्वंस कराए देते हैं। घूमना बंद हो जाएगा? नहीं, घूमेगी। अभी भी पृथ्वी घूमती है, अभी घूमती है, घूमती है, लेकिन तिरछी है। पृथ्वी की दूरी तिरछी है। ये द्वापर युग जब से शुरू हुआ तब से पृथ्वी की धुरी तिरछी हो गई। तो उससे क्या होता, घूमती तो है अपनी जगह पे, ऐसे ऐसे घूमती है, लेकिन साथ साथ सूर्य का भी चक्कर लगाती है। सूर्य का चक्कर लगाती है। तो जब सूर्य के चक्कर लगाते समय वो ऊपर का सिरा दूर हो गया और चक्कर लगाते लगाते ये सिरा नजदीक हो गया। क्या होता है, जो पृथ्वी की धुरी टेढ़ी है वो जब चारों तरफ चक्कर लगाती है सूर्य के चारों तरफ, तो एक बार ऊपर का सिरा और एक बार नीचे का सिरा सूरज के नजदीक हो जाता है। तो जब सूरज के नजदीक ऊपर का सिरा होता है तो वहाँ 6 महीने दिन ही दिन होता है। हाँ जी। और जब नीचे का सिरा सूरज के नजदीक होता है तो वहाँ 6 महीने का दिन होता है और ऊपर वाले सिरे में रात हो जाती है 6 महीने। तो आज की दुनिया में भी 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात हो सकती है, ऐसा मिसाल देखने में आता है। सब तरह की मिसाल इस दुनिया में कायम रखे हुए हैं समझने के लिए। आज की दुनिया में ये मिसाल कायम करके रखा हुआ है कि मोर जो है वो मैथुन नहीं करता, संभोग नहीं करता मृत इंद्रियों से, वो आँखों का आंसू पीता है। शेष इंद्रिय से कनेक्शन होता है और उसी से मोर का जन्म होता है। तो ये मिसाल है इस दुनिया में भी कि आज भी पृथ्वी पर ऐसा स्थान है जहाँ 6 महीने दिन होता है। तो सत्यु त्रेता में 2000 साल का दिन नहीं हो सकता, होगा 2500 साल दिन ही दिन रहेगा, रात नहीं होगी। थोड़े समय के लिए झुटपुटा हुआ फिर दिन शुरू। वहां चंद्रमा और चंद्रवंशियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। क्या जो चंद्रमा अर्ध विनाश जब हुआ था त्रेता के अंत में, तो 7 सागरों में जो सबसे बड़ा सागर है, बहुत गहरा भी है, वो सागर बड़ा गड्ढा है। कैसे बन गया वो गड्ढा? वो पृथ्वी का वो हिस्सा चंद्रमा के रूप में छिटक के दूर हो गया, वो पृथ्वी का उपग्रह बन गया, वहां गड्ढा हो गया। लेकिन जब वो अलग हुआ तो उसका पानी पृथ्वी की तरफ खींचेगा या चंद्रमा के साथ जाएगा? पृथ्वी में भारीपन ज्यादा है तो वो अपनी तरफ खींचेगा। जो भी ज्यादा पावरफुल होता है वो अपनी तरफ खींचता है। जैसे भगवान दुनिया में सबसे ज्यादा सर्वशक्तिवान है,
तो सारी दुनिया किधर खींचती है? भगवान की तरफ खींचती। ऐसे ही पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, तो किसके आकर्षण से खींची हुई है? सूर्य उससे भी बड़ा है। तो जो जितना भारी होता है, बड़ा होता है, शक्तिशाली होता है, वो कमजोर को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ऐसे ही वो चंद्रमा का हिस्सा प्रशांत महासागर से जब अलग हुआ तो उसका पानी सारा पृथ्वी में खिंच गया और चंद्रमा में गहरे गहरे गड्ढे हो गए। वो गड्ढे क्या दिखाई पड़ता है? चंद्रमा में धब्बे दिखाई पड़ते हैं। ध्यान से देखा चंद्रमा को है? धब्बे धब्बे कलंक दिखाई पड़ता है, गड्ढे गड्ढे दिखाई पड़ते हैं। जो नजदीक गए हैं उन्होंने देखा है कि बड़े गहरे गहरे भयंकर गड्ढे हैं, उनकी गहराई नापना मुश्किल है। बरमूडा ट्रायंगल आप बताए ना? हाँ, फार्म होगा नहीं है। चंद्रमा का नहीं 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 वो तो आज की दुनिया का एक उदाहरण है कि आज की दुनिया में भी भूत प्रेत आत्माओं का वहाँ अड्डा है। वो भूत प्रेत आत्माएं जो हैं वो इकट्ठी होकर के जहाजों को भी गुम कर देती हैं। बड़े बड़े पानी के जहाज गुम हो जाते हैं, पनडुब्बियां गुम हो जाती हैं। ऊपर के उड़ते हुए जो जहाज है हवाई जहाज वो भी खींच लेता है। इसलिए उस हिस्से को सुरक्षित कर दिया वैज्ञानिकों ने। ऊपर से जाते ही नहीं, समंदर में से होकर के वहां से जाते ही नहीं। तो इन बातों से वैज्ञानिकों की पोल पट्टी खुल रही है कि नहीं खुल रही है? वैज्ञानिक तो परामनोवैज्ञानिक के बारे में कुछ भी नहीं जानते। आज की दुनिया की 50% से ज्यादा बीमारियां भूत प्रेतानी आत्माएं प्रवेश करने के कारण फैली हुई हैं, जिनका निदान डॉक्टर नहीं पहचान पाते। इस मशीन में ले जाओ, उस मशीन में ले जाओ, स्कैनिंग कराओ, ये कराओ, वो कराओ, कितने पैसे खर्च कर देते हैं, फिर कहते हैं नॉर्मल है। ऐसे ही है ना? क्यों? क्योंकि वो भूत प्रेतानी शक्तियों को मानते ही नहीं। ये वो आत्माएं हैं जो जन्म जन्मांतर पाप कर्म करती हैं, उनके पापों का बोझा बहुत बढ़ जाता है। तो ये नियम बना हुआ है उनके लिए कि उनकी अकाल मौत हो जाती है। जब तक उनकी उम्र पूरी हो तब तक वो सूक्ष्म शरीर में रहेंगी ताकि उनके पाप न बने। जिस शरीर में प्रवेश करके वो दुष्ट कर्म करेंगी कराएंगी उन देहधारियों का पाप बनेगा, उनका पाप नहीं बनेगा। चंद्रमा की आत्मा, ब्रह्मा की आत्मा अभी पतित है या पावन है? क्या है? पतित है। उसकी बुद्धि में ये बात नहीं बैठ रही है कि गीता का भगवान कृष्ण साकार में नहीं होता है। क्या कृष्ण वाली आत्मा गीता का भगवान नहीं होता है? वो कृष्ण की आत्मा ही गीता का भगवान है, इसको मानती है। तो जो गीता का भगवान मानेगा अपनों को, पतितों को पावन बनाने वाला मानेगा, वो फिर सब पतितों को पावन बनाने का उपक्रम नहीं करेगा? करेगा या नहीं करेगा? करेगा। वो आत्मा प्रवेश करती है, प्रवेश करके 16,000 कन्याओं माताओं को आकर्षित करती है, खींचती है और खींच के उनको अपने संग के रंग में लाती है।
शरीर एक ही है, एक शरीर में तीन आत्माएं, उनमें तपस्वी कौन है? सोलह हजार रानियों को रखने का लक्ष्य रखने वाली आत्मा कौन है? और एक और भी है तुरिया, जो न तपस्या करती है, न किसी को अपनी तरफ खींचती है और न किसी से द्वेष करती है। जो ब्रह्मा की आत्मा है, एक तरफ सोलह हजार आत्माओं को खींचती भी है, विशेष प्यार भी करती है, दूसरी तरफ धर्मराज का भी पार्ट बजाती है। कौन सा पार्ट? धर्म का राजा, धर्म माने धारणाओं का राजा। जब शरीर था उसका, तो उसने धारणावान बन करके दुष्ट से दुष्ट ब्राह्मणों की पालना भी की, उनको सहन किया, उन आत्माओं ने अपने ऊपर सगुना पाप का बोझ चढ़ाया, ऐसी श्रेष्ठ आत्मा को भी दुख दे करके। तो जिन्होंने सगुना पाप का बोझ चढ़ाया है, सन 68 तक ब्रह्मा जैसी सहनशील श्रेष्ठ आत्मा को भी दुख दिया, उनका हिसाब किताब कब पूरा होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा। कब होगा पूरा? सतयुग में, यही संगम युग में वो पूरा करेगी। एक एक से 100 गुना गिनाएगी। उसका नाम है धर्मराज। शरीर एक ही है, एक ही शरीर से एक आत्मा धर्मराज का पार्ट बजाती है। शिव बाबा बोलते हैं, धर्मराज है मेरा राइट हैंड। मुरलीम बोलते हैं, धर्मराज है मेरा राइट हैंड, राइट हैंड में बैठा हुआ है, और शंकर है लेफ्ट हैंड। राइट हैंड के द्वारा सजा देकर के राइटियस बनाऊंगा। तो शिव की आत्मा, कृष्ण की आत्मा, राम की आत्मा, और तीनों आत्माओं के पार्ट अलग अलग हैं। ये गायन किसका है? योग बल से विश्व की बात रही। शिव तो विश्व की बात रही लेता ही नहीं, उसका तो गायन होने का सवाल ही नहीं। कृष्ण की आत्मा पहचान ही नहीं पाती जो योग लगाए। पहचानती है? जब पहचानती नहीं है बाप के असली स्वरूप को, कि साकार में निराकार कैसा बाप का स्वरूप है, तो याद कैसे करेगी? कौन हुआ जो याद से ही विश्व की बात पहले लेता है? शरीर का नाम पड़ता है शंकर, आत्मा का नाम थोड़ा ही पड़ता है। जिस आत्मा का नाम पड़ता है वो तो एक शिव है। शिव की बिंदी का ही नाम शिव है। बाकी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से कोई भी बिंदु आत्मा ऐसी नहीं है जिसका नाम हो। तो सब शरीर धारण करती है, सब नाम पड़ता है। प्रश्न क्या पूछा था? हाँ, तो बरमूला ट्रायंगल में जो भूत प्रेत आत्माओं का अड्डा है, वो भूत प्रेत आत्माओं का ईविल सोल का संगठन है। अभी तो दुनिया में बड़े बड़े भूडोल आएंगे,
भयंकर भूकंप आएंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें अट्टालिकाएं सब ताश के पत्तों की तरह गिरेंगी, कितने मरेंगे अचानक अकाले मौत, वो सब देवता बनेंगे हैं? नहीं, वो फरिश्ता बनेंगे नहीं, हाय हाय करके मरेंगे, अचानक मर जाएंगे, भूत प्रेत बन जाएंगे, वो भूत प्रेतों का अड्डा बढ़ता ही जाएगा, उन भूत प्रेतों का जो अड्डा है उस सागर का नाम है अंध महासागर, अंधे की औलाद अंधे, वो बड़े बड़े महाद्वीप हैं, महान महान बड़े बड़े धर्म खंड हैं, जिनके बीच में वो अंध महासागर है। अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, माना मुसलमान और क्रिश्चियन, ये दो मुख्य धर्म हैं बाम मार्ग के, जो सारी दुनिया को कामांध बनाते हैं, क्रोधांध बनाते हैं, लोभांध बनाते हैं। इस्लामियों ने कामांध बनाया, क्रिश्चियंस ने क्रोधांध बनाया, जो जैसा होगा वैसा ही बनाएगा, क्रिश्चियंस क्रोधी हैं, इसका क्या सबूत है? क्रिश्चियंस का जो नास्तिक वर्ग है उसने एटम बम बना लिए, उन्होंने बनाए और उन्होंने गपचे आए लिए, उनको कंट्रोल कर लिया, किन्होंने? अमेरिका वालों ने, रशिया ने बनाए, रशिया है नास्तिक, और जो गिरजाघर को मानने वाले हैं क्रिश्चियन नास्तिक नहीं है, आस्तिक हैं, झूठे ही आस्तिक सही, उन्होंने सारे एटम बम जखीरा बना लिया, अपने पास स्टोरेज कर लिया, तो किस लिए बनाए? अंदर क्रोध भरा है तभी तो बनाए, कोई हमारे कंट्रोल के थोड़ा भी विपरीत जाएगा तब उसको नष्ट करेंगे। कितने मुस्लिम देशों को नष्ट किया है, इराक जैसे, उनकी बात माने तो ठीक, नहीं माने हमला, तो ये क्रोधी हैं क्रिश्चियंस, क्रोधियों के धर्मखंड हैं अमेरिका और यूरोप, इस्लामियों के धर्मखंड हैं मिस्र और अरब, ये दो बड़े बड़े महाशत्रु हैं काम और क्रोध, अब प्रैक्टिकल में हैं दुनिया के अंदर, इनका बड़ा भारी हुजूम है, फिर उन इस्लामियों से निकलते हैं मुस्लिम, जिन्होंने भारत पर लोभ विकार के वशीभूत होकर के सैकड़ों आक्रमण किए, लूट लपेट की, तो क्या उनको लोभी नहीं कहेंगे? इसलिए कहा जाता है लोभांधकार, क्रिश्चियंस का क्रोधांधकार, इस्लामियों का कामांधकार फैलाया हुआ, और उनका बड़े से बड़ा सागर है अंध महासागर, सारी दुनिया उन अंधे की औलाद अंधा बन जाती है। तब भगवान बाप को आना पड़ता है, जब आते हैं तो बाप को और बाप की श्रीमत को जो पहचानते हैं
उनका विनाश नहीं होता। और नहीं पहचानते हैं तो उनका विनाश कराए देता हूँ। सबसे पहले कहाँ से शुरुआत होती है, कौन से धर्म से शुरुआत होती है, उस धर्म की मुख्य आत्मा कौन है? नहीं, अरे इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन ये भी किसकी गोद में पलते हैं? चंद्रमा। ये सूर्यवंशियों की गोद में नहीं पलते हैं, चंद्रमा की गोद में पलते हैं, चंद्रवंशियों की गोद में पलते हैं। तो वो चंद्रमा और चंद्रवंशी ये पहले हार्ट अटैक से शरीर छोड़ रहे हैं। ट्यूमर हो जाता है, ट्यूमर में शरीर छोड़ देते हैं। तो अकाली मौत की शुरुआत कौन से धर्म से शुरू होती है? चंद्रवंश से शुरू। उनको कहेंगे जितने भी उनकी गोद में पले वो सब अंधे, अंधे की औलाद अंधे। क्या ब्रह्मा ने बाप को नहीं पहचाना? पहचाना या नहीं पहचाना? हाँ, ब्रह्मा ने बाप को नहीं पहचाना? पहचाना, वो कह रहा पहचाना, परंतु माना नहीं, परंतु माना नहीं। पहचाना, पहचाना, उसने प्रजापिता को अगर पहचाना होता तो मुरली में शिव बाबा को बोलने की क्या दरकार? ये ब्रह्मा कुमारी शब्द से पहले प्रजापिता रखो। तुमने जो आश्रम का नाम रखा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, ये रंग है, ब्रह्मा नहीं है मुखिया। इस आश्रम का स्थापक ब्रह्मा नहीं है, ब्रह्मा भी रचना है, उसका भी कोई रचयिता है। ब्रह्मा का भी कोई बाप था या नहीं था? नाम ही है ब्रह्मा। बड़ी माँ, बड़ी माँ है तो उसको कौन रचता है? बड़ा बाप चाहिए उसको? तो ब्रह्मा भी भूल गए और ब्रह्मा कुमारियां भी भूली हुई है। आज तो नाम लेने से ही चकरा जाती है। प्रजापिता का नाम निशान सब उड़ा दिया। तो जो बाप को नहीं जानते, बाप के प्रैक्टिकल रूप को नहीं जानते, बाप की बातों को नहीं मानते, मनमाने अर्थ लगाते हैं, उनका पत्ता साफ। चलो पहले बनते हैं भूत प्रेत। भूत प्रेत बनते हैं और भूत प्रेत बन करके रुद्रमाला के मणकों में पहले प्रवेश करते हैं। 4.5 लाख आत्माओं की सारी परीक्षा है। एक एक में, एक एक रुद्राक्ष में 14-14 मुख हैं। माने 14-14 आत्माएं इकट्ठी भी प्रवेश करती हैं। और प्रवेश करके वो माया रावण क्या करते हैं? या तो स्त्रियों की आत्माएं प्रवेश करती हैं, या तो पुरुषों की आत्माएं प्रवेश करती हैं। तो उनका नाम क्या दिया? माया रावण। माया स्त्री का रूप हो गया। कोई स्त्री के रूप में प्रवेश करती है, कोई पुरुषों के रूप में प्रवेश करती है, बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है, श्रीमद से अलग कर देती है और अपने धर्म में कन्वर्ट कर लेती है। अपने धर्म में जब कन्वर्ट कर लेंगी तो देवान का छिलका चढ़ेगा, बढ़ेगा,
देवहन का छिलका मोटा होगा या पतला होगा? मोटा हो जाता है। कोई बीज है जिनका छिलका बहुत मोटा है, बहुत कड़क है। कोई बीज ऐसे हैं जिनका छिलका बहुत महीन है, थोड़ा सा पानी डालने से ही खत्म हो जाता है। यह पानी ज्ञान जल। कोई श्रीमत रूपी जल को थोड़ा सा धारण करते हैं और स्वच्छ आत्मा बन जाते हैं। उनमें फिर विधर्मी आत्माओं का प्रवेश नहीं हो सकता। इसलिए घड़ी घड़ी बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझो। क्या सवेरे सवेरे उठ करके सबसे पहले क्या प्रैक्टिस करो? मैं ज्योति बिंदु, मैं स्टार, आत्मा। अकेले नहीं होता है तो संगठन में भी बैठो, पूरे परिवार के साथ बैठ जाओ। नहीं तो वो भूत प्रेतानी आत्मा है, उसी समय जकड़ लेती है, बुद्धि को जाम कर देती है, शरीर में ऐसा देवहन पैदा करती है कि बस सो जाने का ही दिल चाहता है। इनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। ये इसका नाम है बड़ा मूला ट्रायंगल, झाड़ का चित्र है ना, उसमें नीचे जड़ें दिखाई गई हैं, उनको कहते हैं मूल। मूल माने जड़। चार जड़ें इधर स्वदेशी धर्मों की और चार जड़ें इधर विदेशी धर्मों की, और उन सबसे बड़ी जड़ है जो नीचे गई है, दिखाई नहीं पड़ती, प्रायः लोप हो गई है। क्या बहुत लंबे समय से लोप है। ब्रह्मा सरस्वती की आत्मा सबसे पहले गई या बाद में जाती है? सबसे पहले लोप कौन होती है? अरे अरे, ब्राह्मणों की दुनिया में सबसे पहले कौन सी आत्माएं लोप हो गई? ब्रह्मा सरस्वती की आत्मा। वो बड़ा मूला ट्रायंगल है, सूक्ष्म शरीरधारी वो आत्माएं हैं जो इतने जघन्य अपराध करती है कि सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है। उनमें भी नंबर वार है, कोई कल्याणकारी है और कोई अकल्याणकारी है। कोई कल्याणकारी कम है या कल्याणकारी ज्यादा है? कोई कल्याणकारी ज्यादा है और अकल्याणकारी कम है। ब्रह्मा की सोल को क्या कहेंगे? हैं? अगर ब्रह्मा की ही सोल 100% कल्याणकारी, फिर शिव क्या है? हैं? शिव सच्चाई कल्याणकारी। सच्चाई को तो कल्याणकारी कहते हैं, झूठ को थोड़ा ही कल्याणकारी कहते हैं। ब्रह्मा की सोल कल्याणकारी तो है, लेकिन अंतर है। शिव 500 करोड़ का कल्याणकारी है। क्या सबकी सदगति करता है, लेकिन ब्रह्मा की सोल, कृष्ण की सोल जो विष्णु कही जाती है, ब्रह्मा की सोल जब संपूर्ण बनेगी तब ही विष्णु होगा। या राम वाली सोल के लिए गायन है पहले? राम वाली सोल भी किसके लिए रुकी हुई है पुरुषार्थ में? हाँ, बच्चों में भी। कौन सा बच्चा? कृष्ण बच्चा। तो कृष्ण बच्चा ही विष्णु का रूप है। ब्राह्मणों की दुनिया में साकार प्रैक्टिकल जीवन में उसने जो पार्ट बजाया,
उसको फॉलो करने के लिए बाबा ने डायरेक्शन दिया है। प्रैक्टिकल कर्म इंद्रियों से जो कर्म करने हैं, उन कर्मों में किसको फॉलो करना है? ब्रह्मा को फॉलो करना है। बात मेरी मानना है, माने जो बाप का पार्ट है उसका डायरेक्शन मानना है, लेकिन कर्मों में ब्रह्मा को फॉलो करना। भाई चंद्रमा जो पृथ्वी से अलग हुआ है तक के, तो ये दोबारा फिर से उसमें आदमी मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलना चाहिए। जब नौ ग्रह आपस में टकराएंगे तो ऐसी स्थिति नहीं आ सकती कि जो ग्रहों के उपग्रह हैं वो अपने ग्रहों से जाके मिल जाए? आ सकती। जैसे अर्ध विनाश हुआ त्रेता के अंत में, तो पृथ्वी से छिटक करके चंद्रमा अलग हो गया, वैसे ही जब संपूर्ण विनाश होगा तो पृथ्वी माता को सबसे ज्यादा प्यार पति से है या बच्चे से है? तो उसको अपनी गोद में नहीं लेगी? अपनी गोद में सबसे पहले अपने बच्चे को लेगी, फिर वो टुकड़ा फिर उसमें आके मिल जाए, वो भी खिंचता है उसकी तरफ। महाकाली का पार्ट कब साबित होता है? जब चंद्रमा महाकाली के मस्तक में प्रवेश करे तब ही महाकाली कही जाती है, नहीं तो और देवियों के मस्तक पर चंद्रमा नहीं दिखाते हैं। तो ब्रह्मा को सबसे जास्ती प्यार किससे है? ब्रह्मा अर्थात चंद्रमा कृष्ण की आत्मा को सबसे जास्ती प्यार तमो प्रदान होने पर किससे होता है? महाकाली कौन पार्ट है? जगदम्बाई महाकाली बनती है। तो बच्चा अम्मा की तरफ खिसक रहा है और अम्मा की बुद्धि बच्चे की तरफ खिसक रही है। दुनिया में भी ऐसे ही होता है ना, माँ की गोद से कोई दूसरा आदमी जिगर आदमी आ जाए बच्चे को लेना चाहे तो बच्चा जाना चाहेगा? नहीं जाना चाहेगा। तो ये सहज है या असहज है? यही सहज है। क्या माँ का गोद में बच्चे बनते हैं? हाँ, तो फिर क्या पल रहा है? ये सहज है ना? हाँ सहज है। फिर बाप को क्यों ऐसा कैसा क्या हो? क्यों ऐसा क्या होता है? क्या होता है? बाप तो सच्ची बात बताता है कि सत्व प्रधान स्टेज में ऐसा होता है और तमो प्रधान स्टेज में ऐसा होता है। हाँ हाँ ब्रह्मा विष्णु भक्ति हाँ जी, फिर वैष्णव देवी को भी विष्णु भक्ति काम विष्णु शिव आया, जिसमें प्रवेश करता है उसका नाम ब्रह्मा रखता है। दादा लेख राज में प्रवेश किया मुरली चलाई तो नाम क्या रखा? ब्रह्मा रखा। ये पक्का हो गया ना। ऐसे ही शिव आता है ब्रह्मा के मुख से जो ब्रह्म वाक्य बोले हैं जिसे हम मुरली कहते हैं, उस मुरली को ब्रह्मा ने या ब्राह्मणों ने समझा? नहीं समझा। समझा नहीं समझा। तो टीचर बनकर के उसे आना पड़ता है। किसको? शिव को। तो शिव जिस तन में टीचर बनकर के आता है उसी के तन में टीचर बनकर के आता है यज्ञ के आदि में, जिसमें बीज बोने वाला बाप बनकर के आया था। वो शिव पहले बाप का पार्ट बजाया, बीच में आके टीचर का पार्ट बजाता है। तो टीचर का जब पार्ट बजाता है तो बच्चे की बुद्धि को विकसित करता है कि नहीं? विस्तार में ले जाता है ना। जो बीज बोया था ज्ञान का, वो ज्ञान का बीज
विस्तार को जाता है, गहराई में जाता है।